नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केकेडी फैक्ट जॉन के अंदर। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संख्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को संबोधित किया। अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, साथ ही कपूरी कोठारी को भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। यह भारत अमृतकाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राष्ट्रपति ने संबोधन में 7 महत्वपूर्ण बातें कही, जिसके अंदर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 22 जनवरी को हम सब ने अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब यह एक भव्य इमारत के रूप में खड़ा है, जो न केवल देश की शोभा को बढ़ाता है बल्कि लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के भारी विश्वास का प्रमाण भी देता है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर जो कि एक सपना माना जाता था, 500 वर्षों के इंतजार के बाद में पूरा हुआ और इसी इंतजार का सूखा खत्म होने की खुशी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जिक्र अपने संबोधन में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र की जननी है भारत। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कल वह दिन है जब हम संविधान में लागू होने का जश्न मनाएंगे। इनकी प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, इसका मतलब है कि हमारे लोकतंत्र पर प्रकाश डालती है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत बड़ी है, पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा से भी पुरानी। यही कारण है कि भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। मुर्मू ने आगे कहा कि देश अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में, यह परिवर्तन का समय, हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सुनहरा अवसर दिया गया है। मैं किसान मजदूर भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जो चुपचाप मेहनत कर देश को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई ऊंचाइयों को छू रहा है भारत। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पहले से कई अधिक ऊंचे लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक क्रांतिकारी पहल बताया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित होगा। यह हमारे शासन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी काफी मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कपूरी ठाकुर को याद किया। बिहार के पूर्व सीएम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व सीएम भारत रत्न कर्पूरी कोठारी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यह उल्लेख करना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय के लिए अनवरत युद्धरत रहे कर्पूरी ठाकुर जी। जन्म शताब्दी का उत्सव कल ही संपन्न हुआ है। कर्पूरी जी ने पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक संदेश था। अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्ति होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के मिशन की भी बात की। मुर्मू ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने एक और मिशन भी शुरू किया है। भारत ने अपने पहले एक्सरे पोल मीटर सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ नए साल की शुरुआत की। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष के ब्लैक होल जैसे रहस्यों का अध्ययन करेगा। हमारे राष्ट्रीय त्योहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत पर भी दृष्टिपात करते हैं और भविष्य की ओर भी देखते हैं। पिछले गणतंत्र दिवस के बाद एक वर्ष पर नजर डाले तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 शिखर सम्मेलन की भी बात की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। G20 से जुड़े आयोजनों में जन सामान्य की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों के विचारों और सुझावों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी को एक समारोह में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कारित किया। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी, कलात्मक कौशल, नई सोच और बिना स्वार्थ सेवा के लिए दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस ना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी नई वीडियो के लिए बने रहें केकेडी फैक्ट जॉन के साथ। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।